हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं कहीं जाने वाला हूं और इस ब्लॉग में आपको कुछ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी मैं यहां से तैयार हो चुका हूं और अभी मैं निकलूंगा, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वहां जाकर मिलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग वहाँ पर आ चुके हैं और ये देखिए, मैं यहाँ पर अरवल से 5 किलोमीटर दूर आया हूँ, जहाँ पर ये पुल है। इसका नाम है, पुल का तो नाम पता नहीं, मगर ये सोन नदी पर बना हुआ है जो इधर अरवल और आरा बक्सर सबको जोड़ती है। सासाराम भी जाती उधर। तो ये देखिए, पहले पुल नहीं था, ये न्यू बना है कुछ ही साल पहले। तो आप इसको देखिए कितना ये लंबी पुल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इधर से स्टार्टिंग होने के बाद देखिए आपको ये कितना लंबा, और उधर देखिए नदी, देखिए ये सो नदी है अरवल का। तो आप लोग इधर देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए आगे। ये देखिए कितना लंबा पुल है इधर। तो दोस्तों, इसको इंजॉय करिए, इसका दृश्य बहुत अच्छा रहा है। अभी देखिए पानी थोड़ा थोड़ा, ये बारिश के मौसम में पानी पूरा भर जाएगा और उसके बाद इसका दृश्य देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कितना ये भयंकर देखेगा। देखिए कितना लंबी नदी है, ये देखिए लंबी और ये चौड़ी भी है बहुत। इधर देखिए, उधर को आपको दिखाई तक नहीं दे रहा। तो आज मौका मिला था आने का, तो मैं सोचा कि इसको वीडियो ही बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी पानी पूरी तरह से नहीं है, पानी अभी सब बीच में देखो उधर है, इधर पानी नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग खेती करते हैं, देखिए उधर सब साइड में, इधर देखिए नदी में सब खेती होता है, सब सब्जी का खेती होता है, इधर दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना लंबा पुल लग रहा है। आइए, बहुत ही मतलब शानदार ब्रिज बनाया है। ये देखिए इधर का लोकेशन, ये बनने के बहुत फ़ायदा भी हुआ है। बहुत लोग जो उधर से घूम करके, जो दानापुर घूमने के बाद घूम करके जो जाया करते थे, अब डायरेक्ट इधर से आप आ जा सकते हैं। जहानाबाद ये जोड़ती है, अरवल ज़िला और जहानाबाद ज़िला, ये सब साथ में आता है, तो इस रास्ते को ये जोड़ती है रोड पुल। और बहुत ही लोगों को सुविधा हो गया है इस पुल बनने के कारण। और पहले बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि इतना बड़ा नदी पार करना बरसात के मौसम या कोई भी मौसम में नहीं जा पाते हैं लोग, क्योंकि ये इतना बड़ा नदी है, इसमें हमेशा पानी कुछ ना कुछ रहता ही है। तो देखिए अब नाव से सफ़र करना भी समझिए कितना ये दिक्कत हो सकती थी। अब पहले लोग इतना नाव से भी करते होंगे, पता हमको नहीं है, लेकिन ये देखिए लिखा है गति नियंत्रण रखें। तो देखिए इधर, इधर पानी है और अभी इधर तो सूखा हुआ है, ये सब थोड़ा थोड़ा इधर बीच में पानी है। तो देखिए मैं कहाँ तक जा पाता हूँ, आपको उसके बारे में अब दिखाऊंगा। ये देखिए वो सर, तो कोई मार्केट है शायद, अरवल का ही है पार्ट, ऊपटिया जो सहार बोलते हैं, जो सहार ही बोला जाता है, पता नहीं सहार ये है कि सहार उधर है। ये देखिए इसका लोकेशन कितना भयंकर आ रहा है, कितना शानदार लग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैं अचानक से वीडियो बना दिया हूँ, मैं यहाँ पर आया था तो।